25-30,000 इंडिया में थी तो यहाँ मंथली कितनी बता यहाँ मंथली लाइक 1,50,000 अराउंड है 1.5 लाख है लो 1.5 लाख शर्मा रहे डेढ़ से ओवर टाइम में दो भी हो जाती है ना ओवर टाइम हो गया ओवर टाइम में 2 लाख बहुत सारे इंडियंस को डराया जाता है और कहा जाता है कि यूके में जॉब नहीं और कोई भी लड़का इंडिया का यूके में वर्क वीजा लेकर नहीं जा सकता जी नहीं आज इस बात को गलत करेंगे साबित एक लड़का इंडिया का कम पढ़ा लिखा लड़का डोमिनो पिज्जा से इंडिया से किस तरह वर्क वीजा लेकर आया और उसकी जर्नी अभी यूके में होगी है 2 साल से 1.5-2 साल से और यहाँ पर वो लाखों कमा रहा है जबकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और जो लोग ये बोलते हैं कि लो स्किल्ड वर्कर पर वीजा नहीं मिलता है उनके मुंह पर खींच कर तमाचा है तो इसके लिए आज का वीडियो को स्किप नहीं करना और आपने देना आप किस तरह यूके वर्क वीजा लेकर आ सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैटी पर दिल से स्वागत है। आज मेरे पास है ग्रीन मार्क का बेटा है जो यूके वर्क वीजा लेकर सीधे इंडिया से आया और लाखों में खेल रहा है और वही उसकी जो सैलरी है इंडिया में कुछ भी नहीं। वेलकम करेंगे इस शो पर इस लड़के को जिसका नाम शुभम है, मेरे ख्याल से शुभम है ना, शुभम है। और आपको वीडियो को दिल खोल के लाइक और कमेंट करना, अपना खुद का पैसा लगाकर मैं साउथ हॉल बैठा हूँ और लोगों की इंटरव्यू ले रहा हूँ, लोगों से बता रहा हूँ आप लोगों की आप लोग देशों में किस तरह आ सकते हो। गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, अपनी फ्री एंट्री मिशन न्यूजीलैंड जाने के लिए डालिएगा। वेलकम टू माई शो शुभम जी, आप बताओ मुझे पहले आप इंडिया से यूके वर्क वीजा कौन सी डेट को आए थे और किस जॉब पर आए हो? गैरी भाई मैं इंडिया से 7 मार्च लास्ट ईयर आया था 2022 में, मैं स्किल वर्कर वीज़ा पर आया हूँ। तो स्किल वर्कर वीज़ा आपकी जॉब टाइटल क्या था और कौन सी कंपनी के लिए आए थे? बिल्कुल मैं इंडिया में पहले स्टार्टिंग अपना करियर अपने मैंने मैकडॉनल्ड्स से करा था एज असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके बाद मैंने रिलायंस एज अ स्टोर मैनेजर ज्वाइन करा था। फिर वहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मतलब प्रोसेस बताया था कि ऐसे मतलब बिना पैसों के आपका हो सकता है, तो मैंने बिना पैसे के लाइक मैंने naukri.com पे अप्लाई करा था तो वहाँ से मेरा इंटरव्यू के लिए हुआ था और वहाँ से मेरे को स्पॉन्सरशिप हुई। कौन सी कंपनी में आए हो? मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा में आया हूँ। किस पोजीशन पर आए हो? स्टोर मैनेजर। पॉइंट नोट क्या है, लड़का स्टोर मैनेजर के लिए आया है यहाँ पर और डोमिनो पिज़्ज़ा के लिए आया है। कितने पैसे दिए थे हमने स्पॉन्सरशिप इसके लिए? मैंने 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया दिया? और आप इंडिया से कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। और आपके पास कोई खास साइंस की क्वालिफिकेशन नहीं है, बुरा मत माना कोई ऐसे इंजीनियर, पर फिर भी आप लाखों में खेले, ये खेल रहा है अपनी मेहनत से। गाइस अगर आप भी लो स्किल वर्कर से आते हो कम पढ़े, आपके लिए लड़का वरदान है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और कोई क्वेश्चन लड़का आपका जवाब देने की कोशिश करेगा। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बुरा मत मानना? मैंने BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कर रखा है। ओके बस BSc। और कितने साल एक्सपीरियंस आपको इंडिया में था? मुझे 3.5-4 साल का। 3.5-4 साल। और उसमें से कुछ था आपको मैकडॉनल्ड में और कुछ था आपने का रिलायंस स्टोर में। तो अभी आप यहाँ पर जब आए थे तो आपने जब जॉब अप्लाई naukri.com से की थी तो आपको इंटरव्यू आई थी डोमिनो पिज़्ज़ा से, क्या क्वेश्चन पूछ रहे इंटरव्यू आपसे? भाई पहले तो मुझे थोड़ी बहुत रिजेक्शन आई थी। हाँ बताओ। तो रिजेक्शन के बाद जब मेरे को थोड़ा लो फील होने लगा, फिर मेरे दोस्त ने और आपके आपके बारे में बताया था कि उस राहुल जिसका आपने पहले एक इंटरव्यू लिया है डोमिनोज का, लिया मैंने। हाँ तो उसने ही मुझे मोटिवेट करा था आपकी वीडियोज़ देखने के लिए, तो मैंने आपकी वीडियोज़ देख के फिर मैंने मतलब अप्लाई करना स्टार्ट करा। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद मेरे मतलब आई थिंक 4 राउंड हुए थे, 4 राउंड के बाद मेरे को मतलब उन्होंने बोल दिया था कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। ओके थे 4 राउंड हुए थे। हाँ 4 राउंड में क्या क्या क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा बताओ पब्लिक को हल्का सा रफली। पहला मतलब फर्स्ट राउंड तो टेक्निकल होता है, आपके बारे में पूछते हैं, आपकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, क्या क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, क्या करते थे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते थे, नॉर्मल जो आपका पीछे का मतलब जो आप CV के बारे में, CV, रिज्यूम के बारे रिज्यूम में। तो सेकंड से इंटरव्यू क्या थी? सेकंड स्क्रीनिंग में ऑपरेशनल डायरेक्टर्स के साथ था। ओके एंड थर्ड? थर्ड में ऑनर और आपका HR था, लास्ट में HR था। तो गाइस पॉइंट नोट किया, जिसके फ्रेंड विकास जो भी था उसका सही मैंने बनाया था, आज वो यूके बैठा, मेरे लिवरपूल में बैठे हैं ना सर, कहाँ है? वो नॉटिंगम में। नॉटिंगम में बैठे हैं सर, वो भी यहाँ पर हैं विकास जी। और ये लड़का सेकंड मेरी वीडियो देखकर आया, बस ये CV मुझसे नहीं बनाया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, CV इसने खुद बनाया था, पर जिसने CV मुझसे बनवा रहा है कवलेट जैसे इसका दोस्त आया था, आप लोग भी यूके आ सकते हैं, मेरे CV का सक्सेस 95% ऊपर है। सर बताओ आपकी जो सैलरी इंडिया में कितनी थी बुरा मतलब और यहाँ पर डिफरेंस रफली बता रहा एवरेज? $2 लाख यूके और इंडिया में, और इसलिए सारे भारतीय पीछे लड़के खड़े हैं साउथ हॉल बैठे हैं और ये जॉब करने के लिए पैसा कमाने के लिए आते हैं। वेल डन टू यू। हाउ मेनी आवर यू डू ए जॉब, कितने घंटे काम करते हो और छुट्टी कितनी मिलती है आपको वीकली बताओ? जैसे मैं स्टोर मैनेजर हूँ तो मतलब 45 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 45 तो मोस्टली लाइक
48-49 हो जाते हैं तो वैसे तो 45 करने होते हैं खाली। और आपके ऊपर है कि आप दो छुट्टी लो या एक छुट्टी लो, आपके ऊपर 45 आवर्स कैसे कवर करते हो? रोटा आपके हाथ में होता है, पॉइंट नोट, रोटा इनके हाथ में होता है और ये 45 आवर्स करने होते हैं, पर इनको ओवरटाइम के पैसे भी मिलते हैं और हॉलीडेज भी मिलते हैं। 28 डेज हॉलीडे मिलती है, इंडिया भी जाते हैं 28 हॉलीडे भी मिलती है। और टैक्स कितना कटता है मुझे बताया? 20%, मैं खुद यूके रहता हूं। 20% और टैक्स कट कर आपके हाथ में पैसे आते हैं ना। हाँ, तो पॉइंट नोट किया, शुभम के लिए वीडियो लाइक और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल सेकंड गैरी बैक पे कर रहे हैं, वहाँ पर भी लड़के माल्टा में जॉब ले जा रहे, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और पोलैंड पुर्तगाल में। अगर आपको यूरोप जाना है, आप बहुत कम पढ़े लिखे लड़के हो, यूके में आप नहीं आ सकते, तो आप मेरा चैनल सेकंड गैरी बैक को सब फॉलो कर सकते और इंस्टाग्राम आना मत भूलेगा, वहाँ पर स्टोरी डालता हूँ कैसे कैसे कहाँ का जॉब निकली, बट गैरी बैक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सर ये तो क्या आपके जॉब टैक्स के बारे में, और आपको नियरली 1 ईयर हो चुका है यहाँ पर आए हुए, तो जब आपका कॉस्ट आपके हाथ में आया तो हाउ यू फेल्ट? बड़ी खुशी होगी ना? मुझे तो सरप्राइज, मतलब मेरे लिए वो लाइफ को ऐसा दिन था कि मैं ड्रीम, मेरी पूरी ड्रीम जॉब थी कि मुझे बाहर जाना ही जाना है, वो भी यूके जाना है, वो भी यूके जाना है। और आपकी वीडियोस में बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, मोटिवेट हुआ, तो उनको मैं देख के बड़ा मैं अप्लाई करना स्टार्ट करा। फिर मैंने सोचा कोई आप कभी हार मत मानो, जहाँ आपने एक स्टॉप लगा दी आपकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो आप मोटिवेट करते रहो दूसरे को, अपने आप को, पहले अपने आप को मोटिवेट करा, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मोटिवेट कर रहा हूँ आपकी वीडियोस के लिए, कि भाई गैरी भाई हैं उनकी वीडियोस वगैरह देखो, वो बहुत जॉब्स के बारे में बताते हैं, तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बहुत दिमाग में है, आपकी कंपनी अभी और भी लड़कों को रिक्रूट कर रही है अगर यहाँ पर जॉब करनी है ना, हाँ जी, तो वो कैसे अप्लाई करें? डोमेन पिज़्ज़ा में आना चाहते हैं भाई, वो आपका naukri.com पे सब डालते हैं, मेरी कंपनी नहीं मतलब और भी जो फ्रेंचाइजी है सब अपना naukri.com पे हैं, सब वो डालते हैं कि हम इस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, अगर आपकी स्किल्स और आपकी नॉलेज मैच करती है तो दे विल हायर यू। राहुल मुझे अगला क्वेश्चन आपसे बहुत जरूरी पूछना, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस डोमिनो पिज़्ज़ा यूके भी जा सकते हैं करियर पेज पर, और इवन naukri.com पर सनी का वहाँ भी जाकर जॉब अप्लाई करते हैं, पर वीडियो कहीं भी छू रहा है लाइक जरूर कीजिए। देखो अपना पैसा, ठंड में बैठे बारिश हो रही है। सर बताओ अगला क्वेश्चन, राहुल सॉरी शुभम मैं आपका नाम बोला, माफ कर दीजिए शुभम, इतने लोग माफ बोल जाते हैं कौन कौन आया शुभम जी, इसमें राहुल शुभम ये बताएं क्वेश्चन अगला, कि यहाँ पर जब आप शुरू में आते आपकी क्या हेल्प अकोमोडेशन में कंपनी ने की थी, क्या वीज़ा फीस आपने पे की कंपनी ने की? भाई मेरे को तीन महीने का कंपनी ने एकोमोडेशन दिया है कंपनी, हाँ फ्री, तो उसके लिए उसके बाद कंपनी ने मतलब ये कह रहा था कि जैसे बहुत फेक कंपनी है कि वो पहले पैसे ले लेती हैं, तो इन्होंने पहले पैसा कुछ नहीं लिया है, इन्होंने बोला हम कुछ पैसे नहीं लेंगे, हम सारा सॉलिसिटर का पैसा हम खुद देंगे। उसके बाद इन्होंने सैलरी में से डिडक्ट करना स्टार्ट करा। एक मेन पॉइंट है कि 5-6 लाख, 7 लाख रुपये एकदम देने वो किसी पर नहीं होते कोविड के टाइम में, तो ये था कि कंपनी ने सारा पे करा था, उसके बाद वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता कि यूके आ गए, स्पॉन्सरशिप पर आ गए, सबसे बड़ी बात ये है। ओके, तो आपको अकोमोडेशन भी मिली कंपनी, वीज़ा फीस कंपनी ने, कॉस्ट फिर कंपनी ने दिया गया, कंपनी ने, तो फ्लाइट के पैसे कंपनी, फ्लाइट के अपने आप देने थे। पॉइंट हो गया, कंपनी ने वीज़ा फीस दी है दोस्तों, और इसका दिया रहने का 3 महीने खर्चा, और खाना तो फ्री ऑन मील ड्यूटी मिलता होगा, खाना मतलब एक बार आपको पूरा स्टॉक करवा दिया था कि आपका मतलब 2-3 महीने आराम से चल जाए, खाना भी, खाना भी कंपनी ने दिया था। पॉइंट नोट के, कौन ऐसी बड़ी कंपनी है डब्ल्यू पी जे का सलूट करेंगे जो गरीब आके बड़े खाना भी देती है 3 महीने का, और रहने को भी 3 महीने दिया, और प्लस इसको वीज़ा फीस भी, पर फ्लाइट इन्होंने खुद अपनी तरफ से ली थी। तो ये तो हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, आपने बताया कि डोमिनो पिज़्ज़ा में आपकी लाइफ कैसी है। अब आप मुझे ये बताएं सर कि जो जॉब है, क्या आपने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी, और क्या जॉब ईजी है? भाई ट्रेनिंग आपको पहले, आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको सेटिस्फाई करना होता है, आपको सर्टिफाई होने के बाद आपको वो स्टोर देते हैं, स्टोर की आपको हम होम ऑफिस में बताते हैं कि ये बंदा इस स्टोर के लिए है, तो उसके बाद आपको इतना टफ नहीं है वैसे, टफ जब होता है जब आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता टफ, अगर आप खुद ही अपने आप बनाते हो, वरना कोई चीज़ टफ नहीं होती लाइफ में। अगर आप एक प्रोसेस अपना एक पर्टिकुलर आपने साइड से चल रहे हो, आपको पता है ये काम इस टाइम होना है, और अगर आप उसकी डेडलाइन को ही क्रॉस कर रहे हो, फिर तो टफ आपके हिसाब से होना ही है, कोई लाइफ में कोई काम टफ नहीं है। और आगे जाकर आपको वीज़ा शुरू में 3 साल का मिला था कि 5 साल? अभी 3 साल का मिला है, 2 साल और में फिर PR ले लोगे ना यूके, फिर कहीं और नहीं जाओगे ना, यूके रहोगे मेरे लिए, फिर आपके लिए रहेंगे। शादी कब कर रहे हो? अरे भाई अभी कहाँ शादी कब करें, शादी कब करें, पर ये लड़का 3 साल यहाँ रहेगा, 2 साल आगे इसको और वीज़ा उनका 5 साल PR मिल जाती है और साइड पर जॉब साइट दिखाई जा रही है, अप्लाई कर सकते। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, यहाँ पर रहने का खर्चा कितना आता है जो लोग जाते हैं आपका घर का किराया और बिल डालकर, रफली बता दीजिए शेयरिंग में? मेरा लाइक 650 है सब कुछ मिला के। अच्छा, रहना, खाना पीना सब। पर ये लड़का रहता भी लंदन सेंट्रल में, सेंट्रल में। अगर बाहर रहोगे थोड़ा कम लगता है, 400 लगा लो, अगर लंदन के अंदर रहोगे 650-600, अगर बर्मिंगम रहोगे 300, तो ये आपके ऊपर आपकी सिटी कौन सी है ना जी भाई। पर इस ये सेंट्रल लंदन में रहता है, तो आप खुश हो अपने डिसीजन से? मैं बहुत खुश हूँ। और हाउ इज द लाइफ इन यूके, गुड?
ड्रीम, अभी तो ड्रीम लाइफ ही चल रही है। छुट्टी काटो, छुट्टी काट दीजिए इसको। सो गाइस, ये हैं शोम जी, जो कि बहुत ही फनी एंड पंकी हैं, जो यूके पहुंच चुके वर्क वीजा लेकर, और इनकी कंपनी ने का पूरा वीजा फीस और रहने और खाने का पैसा उन्होंने दिया था। पर शोम कह रहे अगर आपको आना है, सारी वेबसाइट पर यूके रजिस्टर कीजिए, naukri.com जाइए और करियर पेज जाइए, पिज़्ज़ा में कोई हेल्प मुझसे सीवी करके चाहिए, आप 900 रुपये मुझे कॉल कर बात कर सकते हैं, और नंबर दिख रहा है, और सीवी के लिए आप मेरे पास आ भी सकते हैं। बट ऑन द मीन टाइम गाइस, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।